नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी का यह खास इनिशिएटिव सीजीपीएससी मेंस प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग आपके सीजीपीएससी मेंस के कंप्लीट सिलेबस को आप तक लेकर आए हैं, ताकि आपका एक बेहतर तरीके से मेंस का प्रिपरेशन हो सके, जिसमें आपके सातों पेपर को कवर किया जा रहा है वन बाय वन। यहाँ पर ना सिर्फ आपको वीडियो एनालिसिस मिल रहा है, बल्कि आपको उत्तर लेखन का भी अभ्यास करवाया जा रहा है। उत्तर लेखन का अभ्यास करने के लिए आपको बताया गया है, हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ डिस्कशन कम्युनिटी पर विजिट करके आप सातों पेपर के जिन टॉपिक्स ओपन हो चुके हैं, वहाँ से आप लोग उत्तर लेखन का अभ्यास कर सकते हो। आपके मेंस के जब पेपर होते हैं, तो आपको किस तरह से पेपर का फॉर्मेट दिया जाता है, वो फॉर्मेट भी आप लोगों को वेबसाइट पे अवेलेबल करवाया गया है, ताकि आपको लाइनें पता चल सकें कि कितने शब्द सीमा में कितनी लाइनें होती हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो उस फॉर्मेट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जो हमारा सीजीपीएससी मेंस प्रोग्राम का शेड्यूल है, वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल करवाया गया है, तो आप लोग वहाँ से जानकारी ले सकते हो। डिस्कशन कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है, कैसे उत्तर लेखन का अभ्यास करना है, ऊपर में जो आई बटन है उस पर क्लिक करें और डिस्कशन कम्युनिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो। यह प्रोग्राम बिल्कुल आप लोगों को, जैसा कि पता है, बिल्कुल मुफ्त है, और आपके शेड्यूल के हिसाब से आज संडे है और संडे स्पेशल है आप लोगों के लिए ऐसी राइटिंग प्रैक्टिस का। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, 3 दिन पहले ही डिस्कशन कम्युनिटी पर क्रिएट किया गया था और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा प्रयास किया है। उन लोगों के सारे लोगों का अभी मैं कमेंट और रिप्लाई नहीं पढ़ पाया हूँ, पढ़ूंगा और उसके बाद उस पर आपको रिप्लाई भी दूंगा, सुझाव भी दूंगा। यहां से जितने पॉइंट्स बताए जाएंगे, कोशिश कीजिएगा आपने जो लिखा है उससे मैच करने का, और जो भी गलतियाँ हुई हैं उससे सुधारने की आप लोग आगे कोशिश कीजिएगा। सारे जितने लोगों ने भी पोस्ट किया है उस पर मैं कमेंट जरूर करूंगा, लेट हो सकता है लेकिन कमेंट करूंगा, ठीक है। हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आज का हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत में संभावनाएं एवं चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस इन इंडिया। इस टॉपिक पर हम लोग आएंगे, इस टॉपिक पर कैसे एक अच्छा निबंध लिखा जा सकता है, कैसे एक बेहतर एसे राइटिंग किया जा सकता है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। उससे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक बातें एसे राइटिंग से रिलेटेड और आपके मेंस के जो पेपर 2 में जो जितनी भी चीजें हैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक बातें करना चाहूंगा, ताकि यहां पर अगर जो नए बच्चे हैं वो भी कुछ जान सके कि आपको कैसे एक ऐसे लिखा जाता है या फिर लिखना है, या फिर कैसे आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले सीजीपीएससी का मेंस पेपर, जिसमें पेपर नंबर 2 में आपका ऐसे राइटिंग दिया हुआ है, जिसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट में आपको छत्तीसगढ़ के इशूज़ पे ऐसे लिखना होगा और एक पार्ट में आपको नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ पे ऐसे लिखना होगा। ध्यान रखिएगा, जो भी आपसे ऐसे के टॉपिक पूछे जाते हैं वो 90% जो होते हैं, चांसेस होते हैं, वो आपके करंट इवेंट से ही पूछा जाता है। यानी कि पूरे साल भर में, चाहे वो छत्तीसगढ़ के इशूज़ हों, चाहे वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल इशूज़ हो, जो पूरे साल भर में न्यूज़ में रहते हैं वहीं से वो टॉपिक आपसे ऐसे में पूछा जाता है। तो इस मेंस प्रोग्राम में जितने भी 70 दिनों में संडे पढ़ने वाले हैं, हमारा पूरा फोकस रहेगा कि पूरे साल भर के मेजर इवेंट्स या फिर मेजर एक्टिविटीज़ पे आपको यहाँ पर एक बेहतर ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस करवाया जा सके। तो हम लोग पार्ट 2 की बात कर रहे थे। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर होंगे 200, ठीक है। और एक बात, इस बात को समझना कि जो पेपर नंबर 1 है लैंग्वेज वाला, वो एक स्कोरिंग पेपर माना जाता है, और अगर पेपर 1 के बाद सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर पेपर कोई हो सकता है तो वो पेपर नंबर 2। यहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। इसका क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसमें टोटल आपसे दोनों पार्ट मिलाकर 8 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको सॉल्व करना होता है 4। 2 आप पार्ट 1 से करोगे, 2 आप पार्ट 2 से करोगे, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मार्क्स होते हैं 200, यानी कि 50 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है। अब इसमें देखो, जो एवरेज मार्क्स स्कोर, अगर मैं यहाँ पर एवरेज मार्क्स की बात करूँ, तो आप छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखोगे, और अगर आप पहले कभी ऐसे लिखा है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, तो आप 140 तक प्राप्त कर सकते हो मार्क्स को। लेकिन इसमें आप थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें, थोड़ा डेटा का इस्तेमाल करें, थोड़े करेंट इवेंट में
वैल्यू एडिशन कर सके करंट इवेंट का, तो यहाँ पर आप 160 से लेकर 165 तक भी स्कोर कर सकते हो। ये सारे सिलेबस ऐसे राइटिंग से रिलेटेड आज जो सुबह छत्तीसगढ़ इश्यूज़ वाले पे अरुण सर की तरफ से आया, इन सारी बातें उनकी तरफ से भी बताया गया होगा, लेकिन इन सब बातों को एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें बार बार आपके माइंड में क्लिक हो और ध्यान रख सको कि किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको एक अच्छा उत्तर लिखने में और क्या कहता है आपका सिलेबस ऐसे लिखने के लिए। तो 140 तो आप थोड़ी सी बातों को ध्यान रखोगे तो स्कोर कर ही सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि कैसे आप 160 से 170 के बीच में यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, किस तरह से लिखोगे कि 160 से 70 के बीच में आपका यहाँ पर मार्क्स आ सकता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या था हमारा फिर से एक बार सुन लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस इन इंडिया। इस टॉपिक का ऐसे लिखने के लिए फ्रेमिंग किस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिखा है, 4 इसके मेन पॉइंट होंगे। इस टॉपिक में सबसे पहले लिखने के लिए मैं मानता हूँ कि सबसे ऊपर में होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में क्यों है। अब न्यूज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए भी था कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और नीति आयोग के बीच में छोटा सा टकराव भी देखने को मिला था, इसीलिए भी आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में है। तो आपको ये नहीं लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे भारत की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किस तरह से बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, या भारत सरकार या फिर नीति आयोग, क्योंकि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रियान्वयन करने के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग को जिम्मेदारी दिया है। तो अगर नीति आयोग कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ करता है या नीति आयोग कोई रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है तो उसका अगर वो न्यूज़ में है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जब बारे में आप यहाँ पर ऐसे लिख रहे हो तो शुरुआती के जो पैरा होंगे उसमें आप लिखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में क्यों है, और न्यूज़ में भी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आप लिख सको कि इस वजह से न्यूज़ में है, और न्यूज़ में वहाँ पर उन बिंदुओं पर ध्यान रखना जहाँ पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सको। यहाँ पर मैं एग्जांपल बताऊँगा कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम लोग आगे बात कर लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, एक सटीक डेफिनेशन लिखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक सरल शब्दों में लिखना ताकि आप वहाँ पर समझा सको। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डेफिनेशन आपका सेकंड पैरा में होना चाहिए, उसके बाद मेन मेजर पार्ट आ जाता है आपका बॉडी। तो जो आगे के क्वेश्चंस में पार्ट है प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस इन इंडिया, वो पूरा आपको बॉडी में एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करते चलना है, करेंट के डेटा का वैल्यू एडिशन करते हुए आपको चलना है, सरकार के कौन से प्रयास हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसमें पहला पैरा होना चाहिए प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत में किस प्रकार से संभावनाएँ हैं इस पर आप बात करोगे। सेकेंड पॉइंट पर आओगे चैलेंजेस इन इंडिया, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत में किस प्रकार से चैलेंजेस हैं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाता है तो भारत के सामने किस प्रकार से चुनौतियां आ सकती है, इन सारी चुनौतियों पे हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा तीसरे पॉइंट पे आप बॉडी में ही गवर्नमेंट के एफर्ट्स लिखोगे कि भारत सरकार की तरफ से कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट 4 पॉइंट पे आओगे कंक्लूजन। ठीक है, तो 750 वर्ड में आप एक बेहतर उत्तर लिख सकते हो अगर इन 4 बिंदुओं पे ध्यान रखोगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है फ्रेमिंग, अगर आप क्वेश्चन को समझकर पूरी तरीके से बंध गए कि आपको इन इन पॉइंट्स पे लिखना है, वो आपको सिखा देगा फ्रेमिंग। जब आप सही तरीके से फ्रेम कर लोगे तो आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हो, सही तरीके से फ्रेम हो गया तो आप जो है टॉपिक से भटक नहीं पाओगे। कुछ लोगों ने लिखा था, एक दो का नाम मुझे याद है, पंखुड़ी एक का नाम है वो लिख रही थी, तो कहीं ना कहीं जब मैं उनका पढ़ रहा था तो बीच बीच में मुझे लगा कि वो टॉपिक से थोड़ा सा भटक गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो थोड़ा सा उससे बाहर आ गई थी बीच में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक पूरी दुनिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने को। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि आपसे परीक्षा में क्या पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ कि आप
इन सारे पॉइंट्स में क्या क्या लिख सकते हो। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में क्या है, एक ऐसा न्यूज़ इवेंट ढूंढिए जिसको कि आप यहाँ पर लिख सकते हो जिसका वेटेज ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को पता है कि G20 का सबमिट ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ, 2 दिवसीय G20 का शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था जापान की शहर ओसाका में। वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को रेखांकित किया था। याद रखिएगा, G20 जैसा सबमिट, भारत जैसा कंट्री, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए वहाँ पर अपनी बातें रखी और डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 5I, इस बात को ध्यान रखिएगा, 5I, भारत सरकार ने 5I को प्रोत्साहन देने की बात कही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस G20 के सबमिट में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 5I को प्रोत्साहन देने की बात कही। अब ये 5I क्या है, तो 5I का मतलब होता है, यहाँ पर समझिएगा, अब 5I में पहले आई का मतलब होता है इंक्लूसिवनेस यानी कि समावेशन, दूसरा होता है इंडिजेनाइजेशन, दूसरा आई का मतलब है इंडिजेनाइजेशन यानी कि स्वदेशीकरण, तीसरा आई का मतलब है इनोवेशन, लिखते चलिएगा, तीसरा आई का मतलब है इनोवेशन यानी कि नवाचार, चौथा आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना में निवेश, और पांचवा आई का मतलब है इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 5I को प्रोत्साहित करने की बात कही। 5I का मतलब क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप यहाँ इन न्यूज़ में इसको लिख सकते हो, तो यहाँ पर आपका एक सटीक पैरा बन जाएगा इन न्यूज़ में। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पिछले 1-2 सालों से UPSC या फिर जहाँ पर अदर स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए मैक्सिमम चांसेस हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है इसका फ्रेमिंग चेंज करके आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन मैक्सिमम संभावना बनता है कि आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, डेफिनेशन। एक सटीक सरल डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। कुछ ऐसा भी नहीं लिखना है कि चेकर जो है वो समझ ही ना पाए। सिंपल डेफिनेशन लिखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वह ब्रांच है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। इसके जनक का नाम लिखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं जॉन मैकार्थी, और डेफिनेशन में ही आगे लिखिएगा, यह मशीनों की सोचने, समझने, सीखने और समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूर्णतः प्योरली रिएक्टिव है, इसके अलावा लिमिटेड मेमोरी है या फिर ब्रेन थ्योरी और सेल्फ कंक्लूजन जैसी अवधारणाओं पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि जो आज आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है। आप कभी कभी ऐड में देखते होगे या आपके पास में होगा, अमेज़ोन का एक स्पीकर आता है जो एलिजा होता है, जिसको आप इंस्ट्रक्शन देते हो उस तरह से वर्क करता है, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, यानी कि उसमें इंसानों की तरह काम करने की क्षमता होती है, इंसानों की तरह सोचने की क्षमता होती है। ये सब सारा जो टेक्नोलॉजी का जनरेशन आने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाला है। तो आप यहाँ पर एक सरल शब्द में डेफिनेशन लिख सकते हो, जो मैंने डेफिनेशन बताया उसी तरह से डेफिनेशन का फ्रेम वही रहेगा, वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आपको, सेकंड पैरा में आपको डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद जब थर्ड पैरा में आओगे तो इसका पूरा स्ट्रक्चर होगा यानी कि बॉडी होगा। अब इसके बॉडी को भी आप अलग अलग पैरा में तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था भारत में संभावनाएं एवं चुनौतियां यानी कि प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस इन इंडिया। तो सबसे पहले पॉइंट पे आप यहां पर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया के बारे में लिखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत में किस प्रकार से संभावनाएं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर समझिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत अभी
रिसर्च लेवल पे है, यानी कि अनुसंधान लेवल पे वर्क कर रहा है, संभावनाएं ढूंढ रहा है, और ये कई राज्यों की तरफ से भी किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो आप तेलंगाना का, कि तेलंगाना की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित कर रखा है, और इस वर्ष तेलंगाना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई रिसर्च करने वाला है। तो इस तरह से भारत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप जब लिखोगे तो ये बात जरूर मेंशन करना कि भारत अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधानिक अवस्था में है, यानी कि रिसर्चेबल अवस्था में है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन चीज़ों को लिख सकते हो। और देखिए, और आगे अगर आप संभावनाओं में लिखोगे तो यहाँ पर लिखना कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा सके। इसके कई कारण हैं। कारण इस प्रकार से हैं कि एक तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा कर जाते हो, एग्जाम्पल जैसे चाइना ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया, मोबाइल के क्षेत्र में किया, उसने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो चाइना की इकोनॉमी जो टेक्नोलॉजी की वजह से बूस्ट हुई है वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से आप जापान के एग्जाम्पल दे सकते हो, साउथ कोरिया के एग्जाम्पल दे सकते हो। तो भारत के पास में भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि भारत अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जाए जिसकी कि उसकी इकोनॉमी एकदम से बूस्ट कर जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक भारत के पास में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रॉपर रिसर्च हो, भारत में इसकी संभावनाएं बढ़ें, ताकि भारत का वर्चस्व पूरे देश में बनाया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के जितने भी उद्योग जगत के लोग हैं उनसे मीटिंग भी हुआ, और उद्योग जगत के लोगों ने यहाँ पर भारत सरकार को बहुत सारे सुझाव भी दिए। जैसे पहले सुझाव में मान लो कि भारत सरकार को सुझाव दिया गया कि भारत में एक अथॉरिटी का गठन किया जाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क कर सके। इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से आना है, किस प्रकार से रिसर्च होनी चाहिए, कितनी की फंडिंग होनी चाहिए, तो ये सब प्रॉपर वर्क के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया जाना चाहिए। यह पहला सुझाव होता है। दूसरा सुझाव है, सरकार उन क्षेत्रों की पहचान करे जहाँ प्राथमिकता के आधार पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? कि जैसे अगर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया मान लो, तो सबसे पहले वो कौन से सेक्टर में वर्क करेगा, या कौन से सेक्टर की ज़रूरत है, एजुकेशन है, हेल्थ है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले लगाया जा सकता है, या डिफेंस है, तो प्राथमिकता के आधार पर चयन करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कौन से सेक्टर में सबसे पहले आना चाहिए। तो ये सब सारी संभावनाएं लिख सकते हो। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, व्हीकल्स हो गया, एग्रीकल्चर्स हो गया, इन सब उपयोग के क्षेत्र हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो ये सब सारी संभावनाएं आप भारत में लिख सकते हो कि इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके माध्यम से दुनिया में वर्चस्व बनाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, प्रोस्पेक्ट्स के बाद आ जाओगे तो आप चैलेंजेस के बारे में लिखोगे। चैलेंजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ़ायदे ही फायदे हैं, या इकोनॉमी बूस्ट कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। सबसे बड़ा चैलेंज कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने बढ़ावा दे दिया, मानकर चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ गया, हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो जो हम और आप रोज़गार की तलाश में जाते हैं, कंपनियों में जाते हैं, तो रोज़गार एक बहुत बड़ा हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से कम हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पहला डिमेरिट तो यही है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन सकता है। इसके अलावा और भारत के पास में कैसे चैलेंजेस हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए एक इंसान की तरह वर्क करने वाला, आप इसे मशीन कह सकते हो, और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंसान की तरह वर्क करेगा तो हो सकता है उसमें कुछ खराबी आए, तो कुछ ऐसा वर्क करने लगे जो कि ह्यूमन जनरेशन के लिए अच्छा ना हो। तो इस तरह से भी चैलेंजेस आ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप कई फिल्में भी देखे हो, जैसे आपने क्रिस देखा, इसके अलावा आप टर्मिनेटर देखते हो, तो किस तरह से वहाँ पर रोबोट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से वहाँ पर एक ह्यूमन रिसोर्स को खतरा पहुंचा सकता है। तो ये सब भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। ये तो हो गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है तब भारत में किस प्रकार से चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उसको लाने में भी चैलेंज है। कैसे चैलेंज है? एक तो फंडिंग की बात है, भारत में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी बहुत ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन से ग्रसित बच्चों की संख्या है, भारत के खुद के इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं,
तो इन सब सेक्टर पे ध्यान देने के बजाय क्या एक बड़ा फंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाला जा सकता है? भारत के सामने ये भी चैलेंज है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप चैलेंजेस इन इंडिया में डाल सकते हो। इसके बाद बॉडी के जो आपका तीसरा पार्ट होगा गवर्नमेंट एफर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इसमें आप करंट के वैल्यू एडिशन करोगे कि भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है, या तो इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत सरकार के प्रयास, इस पर ऐसे लिखने के लिए पूछा जा सकता है। इसलिए जो तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। या मैंने 5i की बात की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत सरकार ने 2018 में इसकी बजट में भी घोषणा हुई थी, और इसके अलावा भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम के तहत, उस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम यानी कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का क्रियान्वयन किसकी मदद से किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की मदद से। ठीक है, यानी कि रिसर्च हो रहा है किन कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, किसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, कौन से सजेशंस हो सकते हैं, कौन से पॉलिसीज़ बनाए जा सकते हैं, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग की। और इसके लिए नीति आयोग को जो फंड रिलीज़ किया गया है वो 7,000 करोड़ रुपये का है। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू एडिशन है आपका डेटा, 7,000 करोड़ रुपये नीति आयोग को फंड किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च करने के लिए अलग अलग तरीके से। और इन पैसों का उपयोग नीति आयोग किस प्रकार से करेगा? तो यहाँ पर 5 बहुत बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैब बनाए जाएंगे जहाँ पर रिसर्च किया जाएगा। 20 जो है अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एवं एरावत का गठन किया जाएगा जहाँ पर कंप्यूटरिंग प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सब जो है इसके लिए नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भारत सरकार के प्रयास लिख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नीति आयोग ने एक 7 सूत्रीय कार्यक्रम भी तैयार किया है। ये 7 सूत्रीय कार्यक्रम आप लोग जरूर लिखिएगा, भारत सरकार के ये जो प्रयास हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, और जिस तरह से 7 सूत्रीय यहाँ पर प्रोग्राम बनाए गए हैं, इस प्रोग्राम को जरूर यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। ये सबसे बड़ा आपका वैल्यू एडिशन हो सकता है। ये 7 सूत्रीय प्रोग्राम किस प्रकार से है मैं आपको बताता हूँ। पहला यहाँ पर 7 सूत्रीय प्रोग्राम में लिखिएगा, मानव मशीन की बातचीत के लिए विकासशील विधियाँ बनाना, यानी कि जो मानव मशीन होगा, मान लो एक रोबोट है, उस रोबोट के लिए भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि रोबोट बना दिए उससे कुछ भी काम करवा रहे हो, तो उसके लिए प्रॉपर संसद की तरफ से एक कानून बनाया जाए, इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 7 सूत्रीय रणनीति में से ये पहला रणनीति है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ एक सक्षम कार्यबल का निर्माण करना। जैसे मैंने वहाँ पर बताया ना कि कुछ जो बिजनेसमैन्स थे या फिर उद्योग जगत के लोग थे, उन्होंने एक अथॉरिटी के गठन की बात कही है, तो ये 7 सूत्रीय रणनीति में भी है भारत सरकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, कि एक ऐसा अथॉरिटी बनाया जाए जो इसको रेगुलेट कर सके। ये उसका दूसरा हो गया। तीसरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने भी मशीन्स लगेंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर लगेंगे, उसका प्रॉपर सुरक्षा प्रदान किया जा सके इस क्षेत्र में। अगला पॉइंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहारथियों को समझना तथा उन पर काम करना। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को मानक मानकर बेंचमार्क के माध्यम से मापन का मूल्यांकन करना। समझ गए ना, बेंचमार्क मूल्यांकन, जैसे AC आता है उसका बेंचमार्क मूल्यांकन होता है, कोई भी प्रोडक्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का तो उसका बेंचमार्क मूल्यांकन होता है, इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी किस प्रकार से बेंचमार्क मूल्यांकन किया जाए उसके मानक के आधार पर। तो ये 7 सूत्रीय रणनीति को आप लोग गूगल में सर्च करोगे कहीं भी मिल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सरकार के जो ये 7 सूत्रीय रणनीति है, इसको आप लोग हमेशा पास में रखना, इसको अच्छे से पढ़ना, और कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड 7 सूत्रीय रणनीति आपसे पूछा जाता है तो इसको आप लोग जरूर मेंशन करना। तो ये यहाँ पर आप गवर्नमेंट का एफर्ट लगा सकते हो, तेलंगाना का एग्जांपल दे सकते हो, इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार का भी एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हो कि जिस प्रकार से
अभी छत्तीसगढ़ की जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 2019 से 24 के लिए, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपने क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रही है, एफर्ट लगा रही है। तो इस बात को भी सराहना चाहिए कि सरकार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना चाहती है, नई तकनीक के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के भी कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हो आप, क्योंकि CGPSC दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारे एफर्ट आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, गवर्नमेंट के चैलेंजेस लिख सकते हो। इसके बाद आपका आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन एक बैलेंस अप्रोच में होना चाहिए। बैलेंस अप्रोच कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको भी कंक्लूड करो। इसके अलावा पहले आपने जितनी चीज़ें लिखी माइंड में रखो कि आपने किन किन चीज़ों पर फोकस किया है, और सबको समराइज़ करने के बाद जो पॉइंट्स निकलते हैं उसको कंक्लूड करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर कंक्लूजन किस प्रकार से होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कई वर्षों और पिछले कई दशकों से एक चर्चा का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है वो चर्चा बढ़ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ज्वलंत विषय आज के टाइम पर, यानी कि एक हॉट टॉपिक आज के टाइम पर बना हुआ है। वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे परिणामों को लेकर समय समय पर विचार विमर्श करते रहते हैं। आज दुनिया तकनीक के माध्यम से तेज़ी से बदल रहा है। विकास को गति देने और लोगों को बेहतर साख सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बढ़ती औद्योगिक सेक्टर हो गया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्टर हो गया, इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं इन सब को बूस्ट किया जा सकता है कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। किसी भी कंट्री के किसी भी अर्थव्यवस्था की जो गति है उसको बढ़ाया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। लेकिन जो यहाँ पर हमने चैलेंजेस में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से इसके डीमेरिट हो सकते हैं, उन चीज़ों को भी आप लोगों को कंक्लूजन में यहाँ पर मेंशन करना है। कहने का मतलब है कि जितने पॉइंट्स आपने शुरू से लेकर आखिरी तक लिखा उसको समराइज करो आप एक कंक्लूजन के फॉर्म में। एक बेहतर कंक्लूजन होना चाहिए, बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावनाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बढ़ा सकता है इस बात पर भी फोकस होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ चीजों को आप यहां पर ध्यान रखोगे तो 160 से 170 के बीच में अच्छा स्कोर आप लोग ऐसे में कर सकते हो। देखो, यहां पर मैंने किन किन बातों का ध्यान रखा कि जब ये क्वेश्चन आया मेरे सामने तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा। मैंने पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में संभावनाएं एवं चुनौतियां, यानी कि कहने का मतलब है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किस प्रकार से संभावनाएं हैं एवं चुनौतियां हैं। यह प्रश्न आपसे क्यों पूछा गया, क्योंकि आप देखोगे कि पिछले 2 साल में भारत सरकार एफर्ट लगा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। जहां उसको बड़ा मंच मिल रहा है वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, यानी कि दुनिया के सामने कहीं ना कहीं भारत ये कहना चाहता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में आगे बढ़ना चाहता है और वो दुनिया के नई नई टेक्नोलॉजीज या फिर नए आविष्कार करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहता है। कहने का मतलब है भारत अपनी वैश्विक भूमिका में आगे रहना चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। तो इसीलिए सरकार ने नीति आयोग की मदद से पॉलिसीज बनाने के लिए भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इसके डीमेरिट किस प्रकार से हो सकते हैं, चैलेंजेस किस प्रकार से हो सकते हैं, 7 सूत्रीय रणनीति तैयार किया गया, फंडिंग रिलीज किया गया। तो ये सब सारी वजहों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पर हॉट टॉपिक है और सिविल सर्विसेज एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें न्यूज़ में क्यों है, इसीलिए एक बहुत सटीक पैरा मैंने आपको एग्जांपल दिया था ओसाका का। इसके अलावा इसका एक डेफिनेशन सरल शब्दों में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। बॉडी में मैंने बताया प्रोस्पेक्ट्स लिखो, चैलेंजेस लिखो, गवर्नमेंट के एफर्ट्स लिखो। वहीं पर आपका करेंट का वैल्यू एडिशन हो गया गवर्नमेंट के एफर्ट्स में, 7 सूत्रीय रणनीति, नीति आयोग, सारी चीज़ें वहीं पर आ गई। कंक्लूजन, जितनी चीज़ों को आपने लिखा उसको समराइज करो। इतनी चीज़ें 750 वर्ड में आप कवर करते हो तो 160 से 165 नंबर आपका आना ही आना है। पैरा में लिखोगे, कुछ भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करो। कुछ लोगों का मैं देख रहा था, कुछ लोग बहुत अंडरलाइन करते हैं, हर दूसरे वर्ड के बाद अंडरलाइन। देखो, अंडरलाइन किस लिए किया जाता है, अंडरलाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि आप चेकर को बता सको, चेकर को आप ये कह रहे हो कि इस वर्ड पे आप ध्यान दें, इसीलिए अंडरलाइन किया जाता है। तो जब आप हर दूसरे वर्ड के बाद अंडरलाइन कर दोगे
तो चेकर को आप कितनी बार बताना चाह रहे हो, चेकर कितनी बार देखेगा कि ये बताना चाह रहा है। तो आप कोशिश करो कि 750 वर्ड में बहुत कम, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स आ रहे हैं, कीवर्ड्स आ रहे हैं, वहाँ आप अंडरलाइन करो। तो जो अंडरलाइन होगा, जैसे आप 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी लिख रहे हो, 7 सूत्री रणनीति लिख रहे हो, तो वहाँ पर आप अंडरलाइन करो, तो चेकर जो होगा उसके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा। तो कोशिश करो लिमिटेड अंडरलाइन करने का, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने का, इस तरह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो ऐसे में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बात और कि अगर आप नए बच्चे हैं घर बैठे, या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और वहीं से आप CGPSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे मोबाइल कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। वेबसाइट पे मोबाइल कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोबाइल कोर्स को परचेज़ करने के लिए। और एक बात और कि वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हो, मेंस प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नए टॉपिक्स के साथ में नेक्स्ट संडे, ऐसे राइटिंग। तो बने रहिए मेंस प्रोग्राम के साथ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।